आज की वीडियो हमारी स्पॉन्सर की होम्सकार्ट ऐप ने, ये आपको सारी चीजें वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी, तो जल्दी से जाके शॉपिंग कीजिए। जैसा कि आज हमारा व्लॉग रहने वाला था चाइना पीक जाने का, नैनीताल तो सब लोग आए होंगे लेकिन चाइना पीक का बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं भी फर्स्ट टाइम चाइना पीक जा रहा हूँ, तो नैनीताल से हमें कम से कम 4 या 5 किलोमीटर दूर आना पड़ा जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। यहाँ पर अभी हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि मेरे को एक शॉट देना था। आगे जाके एक बैंड आएगा जहाँ पे हमें गाड़ी खड़ी करनी है, उसके बाद 3 किलोमीटर पैदल जाना है क्योंकि वहाँ पर गाड़ी नहीं जाती है। और मैं सच बता रहा हूँ गाइस, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है मैं बता नहीं सकता, मेरे तो हाथ भी नहीं काम कर रहे हैं, बट मैं बोलने में भी मुझे थरथराहट महसूस हो रही है, पता है इतना ज्यादा ठंड फील हो रही है ना। अगर आप लोग आते हैं तो एक बार चाइना पीक पक्का आना, और चाइना पीक अगर आओगे तो पूरा घूमने के इरादे से आना, मतलब 2 दिन हम तो जल्दी जल्दी वीडियो बनानी है तो इसलिए हम आए थे। तो अगर आपको आना है तो पूरा स्टे करने के लिए आना, और हम आपको दिखा दें चाइना पीक, और चाइना पीक का इतना तगड़ा व्यू आता है ना, तो पूरी वीडियो देखना और वहाँ का व्यू दिखाएंगे आपको, तो बने रहना हमारे साथ। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं, जो मैंने आपको बैंड बताया था यहीं तक हमारी गाड़ी आ सकती थी, और हमने देखा, दिखाता हूँ यहाँ पे पार्किंग एरिया है, हमने यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं और बहुत लोग शायद ऊपर गए हुए हैं। अब हमें यहाँ से 3 किलोमीटर और पैदल चलकर जाना है, तो मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। रास्ता शुरू होता है यहाँ से, पीछे देख सकते हैं रास्ता जा रहा है, तो यहाँ से जाना है, और देख सकते हैं सनी जाने के लिए तैयार है, तो चले भाई सनी चलो, तो सनी जाने के लिए तैयार है, हम पूरे एक्साइटेड है भाई। लेकिन अच्छी बात यही रही कि हमको लगा यहाँ पर आके ठंडा हो जाएगा, लेकिन धूप आ गई है यहाँ पर आके। तो गाइस एक चीज दिखा दूँ, ये पीछे लिखा, अरे मैं सेल्फी से अभी वीडियो ले रहा हूँ, पीछे लिखा हुआ है कि ये जो रास्ता है यहाँ थोड़ा जंगली जानवर वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे समूह में मतलब ग्रुप में चल के जाना होगा। तो वैसे तो अभी हम 2 लोग हैं, और आज अभी दिन का टाइम है तो काफी लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई लोग अकेले चल देते, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अकेले नहीं जाएं क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर आपको देखने को मिलेंगे, और आप हमें 3 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी है, ऊपर पूरा जाना है। देख सकते हैं रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीप एरिया है, देख सकते हैं बहुत चलते हुए जाना है, कैमरे में नहीं आ रहा है बट हमें काफ़ी दूर चलते जाना है। मैं तो इतना थोड़ा सा ही चला हूँ, अभी थोड़ा मेरी सांस चलने लगी है, तो देखते हैं ऊपर जाके दिखाते हैं क्या होता है, और रास्ते में बहुत चीज़ें दिखाने वाले हैं, बहुत चीज़ें दिखने वाली हैं, तो पूरा देखते रहो, आज का व्लॉग बहुत शानदार होने वाला है भाई लोग, तो मिलते हैं आगे। बट अगर आप लोग आए तो अपना वाटर बॉटल वगैरह सब साथ में रखें, बिकॉज थकान इतनी ज़्यादा लगेगी, वाटर बॉटल तो मतलब इसेंशियल चीज़ तो ले जानी ही ले जानी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, फिलहाल अभी धूप वगैरह बहुत अच्छे से आ रही है और बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम सामने से आए, एक रास्ता उधर जा रहा है, एक रास्ता नीचे जा रहा है, एक रास्ता उधर जा रहा है, वो उधर, एक रास्ता वहाँ जा रहा है। तो बोर्ड वाले जिसने भी ये बनाया भाई, अगर ये सच बनाया ना, तो यार चाइना पीक एक इधर बनाया है और एक चाइना पीक उधर बनाया है कोई है भी नहीं जिससे पूछे, तो अब हम क्या करें, कहाँ को जाना चाहिए, इस पर विश्वास कर लें, ठीक है इधर ही चलते हैं, तो इधर वाले रास्ते पे चलते हैं आगे, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे निशान बनाए हैं, ये देखो यहाँ पर से जाने का पूरा आपको एरोज वगैरह दिखते जाएंगे, हिंट मिलते जाएंगे। गाइस चाइना पीक के काफी पास पहुंच गए हम, क्योंकि लोगों की आवाज सुनाई दे रही है अभी, सच में बहुत ज्यादा थकान भरा रास्ता है, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी, शायद ही है, मेरे को पता नहीं है कि वही चाइना पीक है नहीं है, बट मैं आपको दिखाता हूँ अभी, शायद थोड़ा दूर और होगा, तो देखो अभी रास्ता जा ही रहा है, फिलहाल तो रास्ते में जा ही रहे हम, ठीक है। अब सीधा ऊपर मिलते हैं चाइना पीक पे, फाइनली हम चाइना पीक में पहुंच चुके हैं, अभी व्यू वाली जगह पे जा रहे हैं, ठीक है यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। सनी बता कैसा लगा भाई आपके, भाई मजा आया, बात बताऊंगा रुक जा, इससे पहले इतना चला है कभी ना यार, सही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा हालत खराब हुई है इसकी, तो कुछ ज्यादा ही हो गई, मौसम देख सकते हैं, मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा है भैया, कितनी दूर होगा अभी, पास पहुंच गए, पहुंच गए, तो जैसे कि अभी पहुंच चुके हैं, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं लोग वापस भी आ रहे हैं, तो देखते हैं पहुंच के दिखा दो आपको व्यू वापस यहाँ का, तो व्यू आपको मैंने दिखा दिया फिलहाल, और
देख सकते हैं मौसम बारिश वाला हो रहा है। मैं तो यही प्रे करूंगा कि बारिश अभी ना आए क्योंकि ब्लॉग पूरा खराब हो जाएगा। तो मिलते हैं आगे। फिलहाल यहाँ पर अभी कोई नहीं है क्योंकि सब इस टाइम पे जा चुके हैं, हम ही यहाँ पे अकेले आए हैं। देख सकते हैं बहुत अच्छा सा व्यू लग रहा है। अगर आप लोग हैरी पॉटर के फैन है तो मैं एक चीज दिखा दूँ, ये हैरी पॉटर वाले पेड़ मुझे यही देख के यही याद आई है यार, सच में बहुत प्यारे से पेड़ लग रहे हैं। और एक और चीज बता दूँ, देखो आप पीछे देख सकते हो, वो मैंने आपको बताया था ना जो जिस लेक पे हमने बोटिंग करी थी, वो वाली लेक का जो शेप था वो मैंगो शेप में था। देख सकते हैं आप लोग, अब आपको दिखाता हूँ, पूरा मैंगो शेप में आपको दिख रहा होगा, है ना। हाँ, एक किडनी शेप भी कह सकते हैं, मैंगो शेप भी कह सकते हैं, मैंगो भी कभी कभी किडनी शेप के आ जाते हैं। देख सकते हैं मेरी थोड़ी बियर्ड में यहाँ पे बर्फ लग रही है। और मैं सच बता रहा हूँ, उत्तराखंड में रहने के बाद मौसम सच में बिल्कुल मौसम हाँ, नहीं हो रहा था, बर्फ गिरने का मौसम नहीं होता, बट हमारी किस्मत अचानक और हम ही लोग हैं, हम पे कोई नहीं है बे। ब्लॉग ये देखो, बर्फ अटक जाती है, हाय हाय बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ बर्फ को लेकर, ठंडा भी नहीं हो रहा बर्फ वाला। और यार तुम्हें मौसम दिखा दूं कितना तगड़ा, अभी देखो कितना तगड़ा मौसम हो गया है यार, बर्फ यार भाई क्या ब्लॉग बना, देख सकते हो लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने लाइव बर्फ देखी और सामने बर्फ गिर रही है। मैं जल्दी से दिखाता हूँ, तो देखो सनी का दिखाता हूँ, देखो बर्फ गिर रही है भाई, वाओ यार माय गॉड, तो फूल गिर रहे हैं भाई, मेरे को लगा फूल गिर रहे थे लेकिन बर्फ गिर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जल्दी से जाके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलने वाली है। और आज का व्लॉग यार बहुत हमारी मेहनत लगी, आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक धमाकेदार वीडियो के साथ।